तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप गवर्नमेंट ऐप में यूट्यूब, गूगल और क्रोम ऐसे ये सारे सोशल वेबसाइटें कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले भी इसमें कई सारी वीडियो बनाई हैं, तो कई सारे भाई कैसे कहते हैं कि फेक है, ये वर्क नहीं कर रही है। तो आप वीडियो को एंड तक देखा करो, क्योंकि आप बीच में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये ट्रिक सिर्फ 2-3 दिन ही काम करेगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिस भाई को भी टैब जरूरत है, टैब को ठीक करने की जरूरत है, और उसके पास इसको जल्द से जल्द भेज देना, क्योंकि उसके बाद सरकार इस ट्रिक को बंद कर देती है जो भी ट्रिक हम लाते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली दिक्सा आपको ओपन कर लेना है, और दिक्सा आपको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको ऊपर 3 लाइंस दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और अब आपको माई ग्रुप पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं आपको नई ट्रिक बताने वाला हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखना। अब आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको साइट्स मैप दिख रहा होगा ऊपर, साइट मैप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। साइट मैप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गेट ऐप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको स्क्रॉल करना है, और आपको नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा मिलेगा गेट इट ऑन गूगल प्ले, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने कुछ लिखा आ जाएगा वेब पेज नॉट अवेलेबल, इसमें आपको इसलिए एक लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इसको ओपन पर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर आपका गूगल प्ले यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। गूगल प्ले ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर से बैक कर देना है, और लोगो पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सेंड फीडबैक पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे यहाँ पर लिंक दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको क्रोम को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पर डॉट डॉट दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और अब आपको यहाँ पर सभी ऐप दिखाई देंगे, आप इनमें से कोई भी आपको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको गूगल ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो आप जैसे गूगल ओपन कर सकते हैं, देखते हैं कि आपको गूगल ओपन हो रहा है। और यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा अंकित मोर गेमिंग, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको यहाँ पर मैं इमेज दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा वर्क कर रहा है, ये ट्रिक पूरी वर्क है। दोस्तों आप 2-3 दिन बाद कहते हैं कि वीडियो फेक है, तो दोस्तों ये क्या पता सरकार इसको भी बैन कर दे, तो मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सॉन्ग्स आ चुके हैं, तो आप भी ऐसे ही ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।